एक संजीदा मिजाज रखने वाले कवि का इस्तकबाल करते हैं जो हिंदी के साथ साथ उर्दू में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं, जनाब शिवराज यादव साहब, जो आगरा की सरजमी से तशरीफ लाए, बल्कि उस सरजमी से तशरीफ लाए जहाँ की सरजमी को ये एजाज हासिल है कि वहाँ के पत्थर को भी पत्थर नहीं कहा जाता बल्कि वहाँ के पत्थर को ताजमहल कहा जाता है। ये तेरे मेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, ये तेरे मेरे मिलने के पल आखिरी नहीं, ए यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरा का ताजमहल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरा का ताजमहल आखिरी नहीं। जोरदार तालियों से अपने मेहमान कवि का इस्तकबाल कीजिए, जनाब शिवराज यादव साहब आगरा से। आचार्य जी प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ। भाई हिलाल ने मेरा तारुफ जो दिया है, मैं वो कथा यहाँ पर सुनाना नहीं चाहता था, लेकिन तारुफ इस तरीके से दिया है मैं सुना रहा हूँ। हमारे शहर में हिलाल साहब ताज महल ही नहीं है, चार मिसरों में आचार्य जी, मैं अपना तारुफ और अपने शहर का तारुफ दे रहा हूँ। चार मिसरों में मेरे शहर में क्या क्या है, फतेहपुर सीकरी भी है, आप देखिएगा। कि मैं शहर आगरा का हूँ, मुझे शिवराज कहते हैं, क्या कहने हैं, वाह। कि मैं शहर आगरा का हूँ, मुझे शिवराज कहते हैं, फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा, मैं शहर आगरा का हूँ, मुझे शिवराज कहते हैं, वाह। फतेहपुर सीकरी के पास में हम लोग रहते हैं, यहाँ नमकीन बैठा ताज तो मशहूर है, लेकिन दिमागी संतुलन बिगड़े हुए पागल भी रहते हैं। क्या कह रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या अपना परिचय कराया, क्या कह रहे हैं, वाह वाह वाह। अब मैं पूछ आचार्य जी, आप लगभग दो महीने पहले इंडियन इस्लामिक सेंटर में तशरीफ लाए थे, भाई असलम खान के हम बड़े शुक्रगुजार हैं, आपकी तकरीर सुनने का मौका मिला। और आचार्य जी, जो अब मैं शायरी पेश करने जा रहा हूँ उसका एक एक लफ्ज, सारे अल्फाज आपको समर्पित है, पूरे के पूरी पूरे एक भी लफ्ज ऐसा नहीं होगा जो आपकी जो आइडियोलॉजी है, आपकी फिलोसफी है, उससे अलग है। मुझे अच्छा मौका मिल रहा है, आप देखिएगा। हमारे मुल्क में कुछ दिन पहले सरकार आई थी, दो ढाई साल पहले, अच्छे दिनों की बात की गई थी। कल एक माँ की डेथ हो गई, गरीब माँ, वो बैंक वो जाती है कि भैया ये मेरा 1000 का नोट है, और उसने कि ये नहीं चलेगा, बेकार होगा, उसके पास वही पूंजी थी और वो चली गई। ऐसे अच्छे दिन की सरकार आई है, आप देखिएगा। पढ़िए, जो कल थी मजालिम की फजा, जो कल थी मजालिम की फजा अब भी वही है, इंसान मुसीबत में घिरा अब भी वही है, और हक बात पे सूली पे चढ़ा देती है दुनिया, हक गोई का जो कल था सिला अब भी वही है। और देखिएगा कि कहने को तरक्की पे नजर आती है दुनिया, वाह, कहने को तरक्की पे नजर आती है दुनिया, बेबाकी मगर चाक रिदा अब भी वही है। और आप देखिए आचार्य जी, जो वक्त के तेवर से शनासा नहीं होता, दुनिया में कभी उसका उजाला नहीं होता, क्या कहने, और दरिया तो सिमट सकता है कतरे की सूरत, वाह, लेकिन कोई दरिया कभी कतरा नहीं होता। और ये शेर का नारा आप देखिएगा कि कातिल की इनायत पर भरोसा नहीं करना, वाह, कातिल कौन है आप समझ जाइए, कि कातिल की इनायत पर भरोसा नहीं करना, वाह, कातिल किसी हालत में मसीहा नहीं होता। और नज्म के कुछ आप देखिएगा, और मैं ये बात कह रहा हूं, फिर एक गजल पेश करूंगा। हुई है हमें से आचार्य, सब कुछ आपके लिए समर्पित है, कि हुई है हमें से कोई भूल या फिर, क्या कहने, कि हुई है हमें से कोई भूल या फिर, कि मौजों पे बदनीयती छा गई है, और साहिल की जानिब चले थे जहां से, क्या कहने, कश्ती वही लौट कर आ गई है, भमर भी वही,
زلزلے بھی وہی ہیں, وہی ہے بدحالیوں کا نظارہ, اور دکھایا تھا جو تو نے انگلی اٹھا کر, پتا نہ خدا وہ کہاں کنارا. واہ واہ واہ. اور میں تمہید میں وقت لے لوں گا آچار جی, ایک غزل میں یہاں پہ پیش کر رہا ہوں. ہماری بڑی بہن محترمہ خوشبو رامپوری صاحبہ یہاں پر تشریف رکھتی ہیں. پڑھیے پڑھیے. پچھلے دنوں یہ میرے شہر آگرہ میں آئی تھی, ان کا ایک مصرع مجھے بڑا اچھا لگا, ان کی اجازت سے وہ میں نے مصرع لیا ہے اور غزل کہی ہے. کون آئی تھی؟ ہماری بڑی بہن خوشبو رامپوری صاحبہ. اچھا اچھا اچھا, واہ واہ. دیکھیے گا, جو یہ سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں, کہ جو یہ سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں, اس طرح کی سوچ والے کا بھلا کچھ بھی نہیں, جو یہ سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں. اور اچھا شعر دیکھیے گا, کہ دیش دروہی بوجھ سے قید گیا وہ جیل میں. کیا کہنے ماجد بھائی؟ کہ دیش دروہی بوجھ سے قید گیا وہ جیل میں, اندھ بھکتوں کے لیے پیشی دفعہ کچھ بھی نہیں, جو سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں. اور دیکھیے کہ حال ان کا بھی کرو جیسے جسودا بہن کا. کیا کہنے آچار جی, ہمارے یہاں طلاقوں کی, تین طلاقوں کی بڑی بات چل رہی ہے. آپ دیکھیے گا کہ جو یہ سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں, حال ان کا بھی کرو جیسے جسودا بہن کا. اب طلاقوں کی بحث سے فائدہ کچھ بھی نہیں, حال سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں. کیا کہہ جی, سب سن رہے ہیں آپ کو تڑیا. اور آپ دیکھیے گا کہ وقت صحت اور پیسہ کیجئے برباد سب, وقت صحت اور پیسہ کیجئے برباد سب, صرف گھاٹا ہے محبت میں بھلا کچھ بھی نہیں, صرف گھاٹا ہے محبت میں بھلا کچھ بھی نہیں. اور ایک شعر آچاری ہوا ہے, ایک بچہ نجیب جیل میں اے بی پی کے بندوں میں, پتا نہیں کیا کر دیا اس کے ساتھ میں. یہ بچے تعلیم کے لیے جاتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ جو یہ سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں, کہ ادکھلی کلیوں کو ساکھوں سے قطر کر رکھ دیا, کہ ادکھلی کلیوں کو ساکھوں سے قطر کر رکھ دیا, ایسے ہتھیاروں کی دنیا میں سزا کچھ بھی نہیں, سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں. اور مکتے کا شعر ہے کہ عمر بھر شیو راج میں اوروں کا چاہا ہے بھلا, کہ عمر بھر شیو راج میں اوروں کا چاہا ہے بھلا, صرف آہوں کے سوا اس کو ملا کچھ بھی نہیں, جو سمجھے میرے آگے دوسرا کچھ بھی نہیں. بہت بہت شکریہ جناب شیوراج یادو صاحب.